रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे या फिर प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं है और बाद में मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर क्या ये प्रश्न में ये उत्तर को लिख सकते हैं। वीडियो में मैं सब कुछ बताता ही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि किसी कवि की अगर आपको काव्य सौंदर्य पूछे, काव्यगत विशेषता पूछे या फिर काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछे, काव्य सौंदर्य पूछे, तो आप उस विशेषता वाले उत्तर को अवश्य लिख सकते हैं। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं और बाद में पश्चात मुझसे प्रश्न करते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि जितने भी आपके डाउट है उस वीडियो पर मैंने क्लियर किया हुआ है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करें। आज हम लोग राम भक्ति काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम संत काव्य धारा पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। उसी तरह संपूर्ण भक्ति काल, आदि काल, रीति काल और आधुनिक काल के भी कई कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। आपको किसी अन्य कवि या फिर किसी अन्य काल की काव्यगत विशेषताओं की खोज है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज तुलसीदास पर चर्चा ना करते हुए हम लोग पूरे राम भक्ति काव्य धारा को लेकर चलेंगे। चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग SB चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि ये जो राम भक्ति काव्य धारा है वो भक्ति काल के उपकाव्य धारा सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि भक्ति काल को सबसे पहले तो दो काव्य धाराओं में बांटा गया, वो है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा को भी दो दो उपकाव्य धाराओं में विभक्त किया गया है। निर्गुण के अंतर्गत आता है संत काव्य धारा या फिर ज्ञानश्री शाखा, उसी के साथ साथ प्रेम काव्य धारा जिसको हम लोग सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। संत काव्य धारा पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब प्रेम या फिर सूफी काव्य धारा पर बनाना शेष है, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। उसके बाद आज हम लोग फिर सगुण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो उसके अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आती है। आज हम लोग राम भक्ति काव्य धारा पर चर्चा करेंगे, फिर आगे हम लोग किसी अन्य वीडियो पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। इनके जो प्रमुख कवि है उन पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। ये जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। और अगर आपसे किसी परीक्षा में पूछे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग काल नाम जो है वो किसने दिया, तो आप कहेंगे श्याम सुंदर दास। जी हाँ, श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा, लेकिन उससे पूर्व जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। याद रखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, पश्चात श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण काल के बीच में युग लगा दिया, स्वर्ण युग काल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक मार्क के प्रश्न पर आपसे पूछा जा सकता है MCQ टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, भक्ति काल हिंदी साहित्य जगत का स्वर्ण युग काल है। क्यों? क्योंकि इस काल में एक से बढ़कर एक रचनाकार, मतलब उस समय तो केवल कविताएं लिखी जाती थी, एक से बढ़कर एक कवि हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक उत्तम रचनाएं लिखी, इसीलिए इसको स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, दादू दयाल, इस तरह के तमाम जो प्रमुख और बहुत ही पहुंचे हुए रचनाकार हैं उनका जन्म भक्ति काल में ही होता है। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने राम को अपना आराध्य माना, आराध्य स्वीकार किया और राम को आधार बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है, मतलब राम जो थे वो बहुत ही मर्यादावाद पुरुष, मतलब कि नैतिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति, या फिर हाँ व्यक्ति ही कह सकते हैं क्योंकि भले ही भगवान थे लेकिन मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, तो राम भक्ति काव्य धारा के जितने भी रचनाकार हुए वो एक तो विष्णु भगवान के वैष्णव संप्रदाय को मानते थे और दूसरे विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाने वाले राम की उपासना करते थे।
उनको आधार बनाकर उन्होंने समाज में संदेश दिया और ये परिकल्पना की कि तत्कालीन समाज जो है वो बहुत उथल पुथल का समाज था, मुसलमानों का शासन था, तो उस समाज में राम जैसे राज्य की, राम राज्य की आवश्यकता आन पड़ी थी और राम के जैसे राजा की ज़रूरत आन पड़ी थी, इसलिए उनको अपना आराध्य मानकर, उनको आधार बनाकर इन कवियों ने कविताएं लिखी और लोगों को संदेश दिया। उन्होंने राम के शील शक्ति सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक सशक्त और सुव्यवस्थित राज्य गठन करने का सपना देखा, परिकल्पना की। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे सुप्रसिद्ध और प्रचलित कवि जो है वो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त इस काव्य धारा के कुछ अन्य कवि कुछ इस प्रकार है: स्वामी रमानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि सर केशवदास या फिर सेनापति को तो हम लोगों ने रीति काल में पढ़ा था, तो जी हाँ, आप गलत नहीं है, सही है। क्योंकि देखिए, ये जो केशवदास है, सेनापति है, ये लोग भक्ति काल में भी गिने जाते हैं और रीति काल में भी गिने जाते हैं। इन लोगों ने लेखनी का प्रारंभ जो है वो भक्ति काल के लगभग अंतिम दौर से शुरू किया था और रीति काल तक ये अपनी रचनाएं लिखते हैं, तो इनको भक्ति काल में भी पढ़ा जाता है और रीति काल में भी पढ़ा जाता है। अब भक्ति काल की कुछ प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका। वैसे तो तुलसीदास की और बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम लोग संपूर्ण राम भक्ति काव्य धारा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल हम लोग तुलसीदास की रचनाओं का उदाहरण न देते हुए अन्य रचनाकारों के कुछ उदाहरण भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। अग्रदास का ध्यान मंजरी और अस्तयाम, ईश्वरदास का भरत मिलाप, नाभादास का भक्तमाल, केशवदास का कवि प्रिया और रामचंद्री का और सेनापति का कवित रत्नाकर। ठीक है, इतना लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद में अंतिम लाइन में लिखिए, देखिए, वैसे तो राम भक्ति काव्य धारा में अनेक कवि हुए, बहुत सारे कवि हुए, लेकिन परंतु राम भक्ति काव्य धारा का साहित्यिक महत्व जो है वो तुलसीदास को जाता है। ठीक है, तुलसीदास ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राम भक्ति काव्य धारा में सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी और सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध और प्रचलित हैं, तो उन्हीं के वजह से राम भक्ति काव्य धारा को सबसे अधिक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो बाकी जो शेष अन्य कवि है उनकी रचनाएं जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत ही कम प्रामाणिक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग तुलसीदास पर केंद्रित होकर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी जो विशेषताएं हैं वो तुलसीदास पर ही लिखेंगे, ये फिर अन्याय हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बीच बीच में अगर हो सके तो हम लोग अन्य कवि की कुछ उदाहरण को भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग तुलसीदास पर केंद्रित होकर ही राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं को लिखेंगे। तो राम भक्ति काव्य धारा की सबसे पहली और प्रमुख विशेषता होगी राम राज्य की स्थापना, या फिर हम कह सकते हैं कि राम का स्वरूप। जी हाँ, उन लोगों ने राम को अपना आराध्य, अपना इष्टदेव स्वीकार किया और राम की उपासना करते हुए वो समाज में दरअसल राम राज्य का संदेश देना चाहते थे। राम राज्य भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य था जिसमें राजा, जनता, प्रजा सभी के सभी सुखी थे। जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे, मतलब कि नैतिक गुणों से परिपूर्ण राजा थे और तत्कालीन समाज में ऐसे ही राजा की आवश्यकता जो है वो आन पड़ी थी, क्योंकि उस समय मुगल का साम्राज्य था, मुसलमानों का साम्राज्य था और मुसलमान जो है वो भारत के वासियों पर, भारत के जनताओं पर अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे। तो ऐसे अवस्था में राम राज्य की, राम के जैसे राजा की परिकल्पना कर इन कवियों ने
राम का स्वरूप को जनता के सामने रखा है। राम जो थे वो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने धर्म और जन की रक्षा के लिए अवतार लिया था। ठीक है, राम ने रावण का संहार किया था, तो वैसे उनका जन्म जो है वो धर्म की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो राम भक्ति कवि जो थे वे अवतारवाद पर भी विश्वास रखते थे। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो मैं आपको दो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दूंगा, आप दोनों को लिख सकते हैं या फिर किसी एक को भी लिख सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण आप लिखिए कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बड़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। मतलब कि जब जब धर्म की हानि होगी और रावण जैसे अभिमानी असुर जो है वो बढ़ेंगे, तब तब जो विष्णु भगवान थे, जो ईश्वर थे, वो विभिन्न शरीर को धारण करके धरती पर अवतार लेंगे और धर्म की और इन असुरों का संहार करेंगे। इसका अर्थ ये है। उसके बाद और एक उदाहरण लिखिए कि सब गुणगण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतिज्ञ नाही कपट सियानी। राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें सब गुणकारी थे, सबके सब पंडित थे, सबके सब पुण्य आत्मा थे, सबके सब ज्ञानी थे, सबके सब कृतिज्ञ थे बिना छल कपट के। ठीक है, तो ऐसी ही राम राज्य की कल्पना तत्कालीन समाज में कवि जो है, राम भक्त कवि जो है वो करते हैं। तो इस बिंदु को आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, अब राम भक्ति काव्य धारा की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है लोक मंगल की भावना। ये जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बिंदु पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जा सकता है। जैसे तुलसीदास को अगर आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है तो तुलसीदास पर भी तीन चार बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो तुलसीदास की काव्यगत विशेषता, उस पर तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। उसी तरह तुलसीदास जो है वो समन्वय के सम्राट है, उस पर प्रश्न बन सकता है। या फिर तुलसीदास की कविताओं में लोक मंगल की भावनाओं को प्रतिपादित कीजिए या फिर स्थापित कीजिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक मंगल की भावना के दृष्टि से देखें तो राम भक्ति काव्य धारा की कविताएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन कवियों ने अपने कविता में राम कथा को आधार बनाया और रामायण से जुड़े सभी पात्र को हमारे सामने खींचकर रखा। और रामायण से जुड़े सभी पात्र, जैसे राम को ले लीजिए, लक्ष्मण, भरत या फिर दशरथ, हनुमान, बजरंगबली, इनको ले लीजिए, ये सभी के सभी पात्र जो है वो किसी न किसी रूप में लोगों को जीवन की सीख देती है। और राम भक्त कवियों ने राम के द्वारा लोगों को ये संदेश दिया कि किस तरह से लोक सेवा करनी चाहिए। राम जो है वो एक ऐसे राजा थे जो आजीवन लोगों की कल्याण करते रहे। और रामायण में जितने भी पात्र थे वे सब आदर्शवादी पात्र थे। तो तत्कालीन समाज में, उस समय में, तुलसीदास लोग के समय में भी ऐसे ही राम राज्य की आवश्यकता थी। इसलिए उन लोगों ने अपनी कविताओं में राम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ऐसी साम्राज्य की, ऐसे राज्य की कल्पना किया है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुहुसु दशरथ अजीर बिहारी। इन दोनों ही बिंदु को आप इस लोक मंगल की भावना वाले बिंदु पर इन दोनों ही उदाहरण को लिख सकते हैं। मतलब सर्वे भवन्तु, सभी के सभी जो है वो सुखी रहे, सभी के सभी ये सांसारिक मोह माया से दूर रहे, सभी के सभी क्या कहते हैं कल्याणकारी कार्य करे और सभी के सभी सुखी रहे। और दूसरे उदाहरण का अर्थ ये है कि मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले वो दशरथ पुत्र राम है, जिनकी मुझ पर कृपा है।
राम भक्ति काव्य धारा की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है समन्वय की भावना। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ा देर पहले भी कहा कि समन्वय की भावना जो है वो राम भक्ति काव्य धारा की बात करें या फिर तुलसीदास की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर भी पार्टिकुलर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता जो है वो समन्वय की भावना है, और तुलसीदास को तो समन्वय का सम्राट भी कहा जाता है। और इस पर भी प्रश्न बनता है तो मैं किसी अन्य वीडियो पर तुलसीदास समन्वय के सम्राट क्यों कहे जाते हैं उस पर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे। इन कवियों ने किन किन के बीच में समन्वय, ठीक है, समन्वय मतलब यूनिटी, एकता का भाव जो है वो स्थापित किया, उसको देखने का प्रयास करिए। देखिए, इन लोगों ने सेब और बेशिड़ो, ठीक है, यहाँ पर सेब का जो शिव है वो सेब है, तो तालब्य सो होगा। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलती है, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। शैव और बेशिड़ो संप्रदाय के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उसी तरह ज्ञान और भक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। नर और नारायण के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। नर मतलब व्यक्ति, इंसान, नारायण मतलब ईश्वर, विष्णु भगवान को ही कहा जाता है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। आत्मा हमें माना जाता है और परमात्मा ईश्वर को माना जाता है, ठीक है। तो उसी तरह निर्गुण और सगुण, उस समय में जो निर्गुण काव्य धारा जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे उनके, और सगुण जो मूर्ति पूजा पर भी विश्वास रखते थे, उनके बीच में भी इन कवियों ने, राम भक्त कवियों ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उसी तरह राम के कथा को आधार बनाकर इन्होंने पारिवारिक जीवन में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से केकई जो माता थी उनके वनवास भेजे जाने पर भी राम कभी उनसे नफरत नहीं करते हैं और भरत को भी उनसे नफरत करने नहीं देते हैं। तो पारिवारिक समन्वय को भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अगर आपसे समन्वय से पर्टिकुलर प्रश्न पूछे तो इन सब बिंदु को डिटेल से लिखकर आप उस प्रश्न से डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग विशेषताओं की, प्रमुख प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर भी दो उदाहरण देंगे। एक उदाहरण मुझे नाभादास का मिला था, मिलता जुलता उदाहरण, तो इसलिए मैंने नाभादास का उदाहरण को ले लिया। कि देखिए कि हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, ठीक है, हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात ना ही बचन सभी के हित की भासी। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति को नाभादास ने कबीरदास की विशेषताओं को बताते हुए लिखा था कि वे कहते हैं कि कबीरदास ने सदैव हिंदू और मुसलमानों की प्रमाण और सिद्धांत की बात की है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो हिंदू और मुस्लिम के समन्वय की बात भी हो रही है, दूसरा क्योंकि नाभादास जो थे वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, लेकिन उन्होंने संत काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि कबीरदास का भी यहाँ पे उन्होंने गुणगान किया है। तो यहाँ पर भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास इन लोगों ने किया है। यहाँ पर एक तुलसीदास के उदाहरण को भी लिख दीजिए कि वर्ण जाति का भेद न जिसमें, लिंग रंग का छेद न जिसमें, समता शासन सत्य धर्म का। तो इस पंक्तियों का अर्थ ये है कि एक ऐसा साम्राज्य की वो लोग परिकल्पना करते हैं कि जिसमें वर्ण जाति को लेकर कोई भी भेदभाव ना हो, उसी तरह लिंग मतलब जेंडर को लेकर, लोगों के रंग को लेकर, लोगों के जात को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, किसी भी प्रकार चीज़ को लेकर किसी में भी विभेद जो है, भेदभाव जो है वो ना आए। ओके, अब अगला और सबसे प्रमुख राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है भक्ति भावना। क्योंकि भक्ति काल की कविताओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो भक्ति भावना तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो भक्ति भावना भी है जो राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखी जा सकती है। उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की और विष्णु भगवान के अवतार राम की उपासना भी की है। मतलब वे, ये फिर से कह रहा हूँ कि संत काव्य धारा की तरह वो निराकार ब्रह्म की बात नहीं करते अपितु वो
अवतारवाद पर भी विश्वास करते हैं कि ईश्वर जो है वो समय समय पर जन कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए वो अवतार लेकर धरती पर आते हैं, ठीक है, मानव रूप में वो अवतार लेकर आते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर पर, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन ये गलत बात है। बहुत लोग रामायण और महाभारत को ये केवल एक महाकाव्य है, ये केवल एक परिकल्पना और महाकाव्य है मात्र मानते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही असत्य है, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं रामायण और महाभारत का सत्य होने का। मेरा आप सभी से, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि कभी भी किसी भी बच्चे से ये मत कहिएगा कि तुम्हारे माता पिता जो है वो झूठ है, या फिर उन्होंने जो ज्ञान दिया वो असत्य है, वो झूठा है, क्योंकि ऐसा करने पर उस बच्चे के मन में बहुत आघात पहुंचता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी किसी के भी धर्म को, धर्म पर कभी भी हो सके तो टिप्पणी मत कीजिएगा, क्योंकि धर्म अभी आप वर्तमान समय में धर्म जो है वो तोड़ने का काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धर्म तोड़ने के बजाय धर्म लोगों को जोड़ता है। धर्म के नाम पर हमें लोगों को बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, सभी के धर्म को आदर करना चाहिए। मेरी ही बात कर लीजिए, मैं हिंदू और सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी भी रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे मंदिर दिखता है तब भी मैं प्रणाम करता हूँ, और चर्च दिखता है तब भी मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, और अगर मुझे मस्जिद भी दिख जाए तब भी मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर ईश्वर है। और अगर मान लीजिए मुझ पर कोई मुसीबत आ गई और मैं आश्चर्य के लिए तब मेरे पास कोई मंदिर ना हो और मुझे चर्च दिखे, तो अगर मैं आश्चर्य के लिए उस चर्च में जाऊँगा तो जीजस जो है, ईश्वर जो है, वो मुझसे मेरे धर्म को नहीं पूछेंगे, निसंदेह ही वो मेरे रक्षा करेंगे। तो सभी ईश्वर जो है वो इक्वल है, इसलिए धर्म के नाम पर हमें संसार को बांटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो खैर बहरहाल पॉइंट पर आइए, भक्ति काव्य धारा के कवि जो थे वो विभिन्न रूप से ईश्वर की भक्ति करते थे। संत कवियों की तरह वो नाम स्मरण पर भी बल देते थे और गुरु की महिमा का गान भी करते थे। मतलब कि जिस तरह से संत कवि काव्य धारा में आपने देखा होगा कि गुरु की महिमा या गुरु का गान, ठीक है, मतलब गुरु को बहुत अधिक महत्व देना, तो इसी तरह संत कवियों की तरह राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने भी सत्संगति या फिर गुरु के महत्व को अपने काव्य में दिखाया है। उसी के साथ साथ वो ईश्वर के नाम स्मरण पर बल देते हैं कि ये जो जीवन मिला है इस जीवन में जितना हो सके ईश्वर का नाम को लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो सबसे बड़े सत्य है। इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। मतलब कि राम के नाम का जप करिए, राम के नाम का जप करने से ही ये संसार रूपी विराट समुद्र से हमें पार मिलती है, ठीक है। ये जो संसार है इसको एक बहुत ही विशाल समुद्र का प्रतीक बताया है, और इस विशाल समुद्र से हम राम के नाम रूपी नाव में बैठकर ही पार हो सकते हैं। यहाँ पर कवि जो है वो मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, और वही नाम स्मरण के साथ साथ इन्होंने विभिन्न तरह की भाव भक्ति से ईश्वर की उपासना की है, ईश्वर की भक्ति की है। यहाँ इस बिंदु से भी आपको एक पर्टिकुलर प्रश्न बन सकता है, जैसे मान लीजिए तुलसीदास की भक्ति भावना, तो इस पर भी कभी हम लोग अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने विभिन्न रूप से ईश्वर की भाव भक्ति की है, जिसमें देखिए अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब एक निष्ठ भक्ति, मतलब वो एक ही ईश्वर की, एक ही आराध्य की उपासना करते हैं। उसी तरह से दैन्य भाव की भक्ति, मीरा की कविताओं में आपने पढ़ा होगा, राम भक्ति काव्य धारा के कवियों में भी, तुलसीदास में भी दैन्य भाव की भक्ति भी देखी जा सकती है, समर्पण की भक्ति, ठीक है। उसी तरह से नवदा भक्ति, नवदा भक्ति में नौ प्रकार की भक्ति की जाती है, जैसे
आचरण, कीर्तन, भजन, इस तरह से इत्यादि 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। तो ये इस तरह से विभिन्न भाव भक्ति से इन लोगों ने ईश्वर की भक्ति की है। तो यहाँ पर भी आप लोग और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि ब्रह्म तू है, जीव हो तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि ही तू मेरो। जिसका अर्थ है, तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ, मैं क्या हूँ, मैं दास हूँ। तो दास भाव की भक्ति भी देखी जा सकती है। मेरे माता पिता बंधु सखा सभी के रूप में मेरे हितकारी जो है वो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य है। ओके, अब राम भक्ति काव्य धारा की अगली और पांचवी प्रमुख विशेषता जो है वो है राजनीतिक चेतना। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भक्ति काल के कवि है तो केवल भक्ति ही किया। उन लोगों ने भक्ति के माध्यम से, प्रभु राम के माध्यम से राजनीतिक चेतना पर भी सवाल खड़ा किया है और उसको भी, उसमें भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तत्कालीन समाज जो था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य का समय था, मुसलमानों का शासन काल था, भारत के जनता पर, भारत के लोगों पर उन लोगों ने शोषण किया हुआ था, उन पर अत्याचार करते थे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तब के राम भक्त काव्यधारा के कवियों ने राम का संदेश लोगों तक पहुंचाया और राम के जैसे राज्य की, राम के समय में जो राज्य था तो राम राज्य की परिकल्पना की और ये लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि देश का जो शासक है वो किस तरह से राम का जैसा मर्यादावादी, मतलब नैतिक गुणों से परिपूर्ण और आदर्शवादी होना चाहिए। उन्होंने राम के सील, शक्ति, सौंदर्य का वर्णन किया है। सील मतलब नैतिकता का, यहाँ पर आपको राम जो है वो नैतिकता के साथ में, अयोध्या में नैतिकता के साथ में वो राज्य को चलाते हैं, वहीं जब वो जनकपुर जाते हैं तो उनके सौंदर्य से सभी मोहित हो जाते हैं और रावण का वध जो है वो शक्ति के आधार पर करते हैं। तो राम के सील, शक्ति, सौंदर्य के आधार पर उन लोगों ने लोगों को संदेश दिया कि एक शासक में, एक मनुष्य में सील, शक्ति, सौंदर्य तीनों की आवश्यकता है और आवश्यकता अनुसार तीनों ही चीज़ का प्रयोग भी करना चाहिए। और वही राम कथा में उन लोगों ने जितने भी पात्र को खींचा, जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान इत्यादि, तो सभी के सभी को आदर्शवादी दिखाया गया नहीं, सभी के सभी आदर्शवादी थे भी। तो जैसे कि केवल एक राज्य में केवल अगर राजा ही वो आदर्शवादी होगा, मर्यादावाद होगा, तो वो राज्य नहीं चलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे देखा कि लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जो है वो एक आदर्शवादी भाई के रूप में दिखाए जाते हैं, उसी तरह सीता एक आदर्शवादी पत्नी के रूप में, उसी तरह दशरथ जो है एक आदर्शवादी पिता के रूप में, हनुमान जो है वो एक आदर्शवादी सेवक के रूप में, प्रजा के रूप में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब विभिन्न पात्रों के माध्यम से हमें वो राजनीतिक चेतना का संदेश देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं कि जब राम जो है वो वनवास चले जाते हैं और जब भरत अपने ननिहाल से वापस आकर देखते हैं कि राम को वनवास भेजा गया है, तो वो राम के पास आग्रह करने के लिए आते हैं कि आप वापस चलिए, आपके होते हुए मैं साम्राज्य में मैं राजा नहीं बन सकता। लेकिन उस समय किसी तरह से राम उसको मना लेते हैं, भरत को, कि 14 वर्ष तक तुम राज्य को संभालो, फिर आकर मैं अपने राज्य को ले लूँगा। उस समय एक राजा को कैसा होना चाहिए उसका संदेश देते हुए राम भरत से कहते हैं कि कबह संदेश भरत के आए, नीति न तजी राज पदु पाए, पाले हूँ प्रज ही करम मन बानी। अर्थात प्रजा का मन, क्रम, वचन और शरीर, सभी प्रकार से प्रजा का क्या करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। राजगद्दी मिल गया कहकर ही हमें अपने नीति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से सूर्य, पानी, किसान इत्यादि जो है वो अपना सेवा लोगों को देते हैं, ठीक है, एकदम निस्वार्थ भाव से देते हैं। देखिए, सूर्य सभी को रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, उसी तरह से नदी सभी को पानी देता है,
पर्वत सभी को छांव देता है और किसान अनाज उपजा कर सभी की सेवा करता है, उसी तरह से इनके भांति राजा को भी सदैव प्रजा का सेवा करना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो नर्क को गामी होगा, मतलब कि नर्क जाएगा। वहीं और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, रघुकुल के उन लोगों की रीत ऐसी थी कि ये, और ये सदैव से चली आ रही थी कि अगर उन्होंने किसी की रक्षा के लिए उन लोगों ने वचन दे दिया, किसी को वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो उसको निभाते हैं वो लोग, मरते दम तक निभाते हैं, फिर चाहे उसको निभाते निभाते उनके प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन वो अपना वचन को निभाते हैं। तो इस तरह का राज व्यवस्था का परिकल्पना करते हुए वो अपनी कविताएं लिखते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि थे उनमें भक्ति के साथ साथ समाज सुधार की भावना भी देखी जा सकती है, अतः उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना भी भरपूर मात्रा में देखी जा सकती है। राम जैसा आदर्शवादी और मर्यादावादी राजा का उदाहरण देते हुए वो दरअसल समाज में सुधार लाना चाहते हैं। उस समय का जो परिस्थिति था, ठीक है, तत्कालीन समाज का चित्र खींचते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि उदाहरण देखिए कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। मतलब कि अगर कोई खेत करना चाहता है, कोई किसान है, तो उसको खेत करने के लिए खेती नहीं, कोई भिखारी जो है उसको पाने के लिए भीख ही नहीं है, चाकर नौकरी करने वाले के लिए नौकरी नहीं है, तो उसी तरह से मतलब जीविका विहीन जिंदगी है, बिना काम का जिंदगी है। तत्कालीन समाज जो है बहुत ही अव्यवस्थित था, तो जीविका विहीन है, सब एक दूसरे का मुंह ताड़ते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि क्या करे, कहाँ जाए, जिए तो जिए, कैसे जिए बिना आपके। अब अगली प्रमुख प्रवृत्ति है प्राकृतिक चित्रण। जी हाँ, जहाँ राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने भक्ति भावना या फिर समाज राजनीतिक आदि की चर्चा की है, वहीं उन कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का भी बहुत ही मनोहर चित्रण अपने काव्य में किया है। जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं और उनके साथ 14 वर्ष तक जो जो घटित होता है वो वन में ही घटित होता है, तो उन सब कथा के जिक्र में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का भी बहुत ही सुंदर चित्रण अपने कविताओं में खींचा है। और वहीं सेनापति की बात करें तो उनको तो ऋतु वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। ऋतु वर्णन की मतलब कि उनकी कविताओं में सीजन का वर्णन जो है वो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य रूप में हुआ है। तो सेनापति के ही एक उदाहरण को यहाँ पर लिख दीजिए कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु। तो ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं, इसका अर्थ है बसंत ऋतु में बाग बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे और फूल जो है वो खिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे बसंत रूपी राजा जो है, ठीक है, बसंत ऋतु रूपी राजा जो है वो चार प्रकार के सेनाओं के साथ में आया हो। चार प्रकार के सेना से तात्पर्य है कि तब सेना जो है चार प्रकार के हुआ करते थे, एक पैदल चलने वाले सेना, एक घोड़े पर चलने वाले सेना, एक रथ पर चलने वाले सेना, और एक जो है वो हाथियों पर चलने वाले सेना। तो बसंत रूपी ऋतु जो है वो राजा है और वो अपने चार सेनाओं, चार प्रकार के सेनाओं के साथ में आया हो, ऐसा प्रतीत होता है। वही प्राकृतिक वर्णन के साथ साथ में आप सौंदर्य वर्णन का जिक्र भी इसी बिंदु पर कर दीजिए। जहाँ उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी किया, वहीं उन्होंने कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भांति ही राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण इत्यादि के रूप सौंदर्य का वर्णन भी बड़े ही मार्मिकता के साथ में किया है। उदाहरण सहित आप एक पंक्ति को लिख सकते हैं कि सम्रट चित अरुझे, सम्रट चित अरुझे, राम ही यो सब बूझे ही। यह पंक्ति जो है वो केशव दास की है, जिसमें केशव दास राम के रूप रंग का, रूप सौंदर्य का
वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली पंक्ति को देखिए, अगली प्रमुख विशेषता है नारी विमर्श। जी हाँ, नारी विमर्श। नारी विमर्श की बात करें तो राम भक्ति काव्य धारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि तुलसीदास पर यह लांछन भी लगाया जाता है कि तुलसीदास जो है वो छोटे जात और नारी के विरोधी कवि थे, जो बात थोड़ा असत्य है। ये तर्क सही थे, इसमें विवाद है, बहुत लोगों में विवाद चलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो तुलसीदास थे वो नारी के विरोधी थे और छोटे जात के विरोधी भी थे। ये जो तर्क हमारे सामने रखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इस पंक्ति को लेकर रखा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इस पंक्ति को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। लेकिन इस पंक्ति में छोटे जात और नारी को लेकर जो बात कही गई है वो दरअसल तुलसीदास की भाव नहीं थी। ये तब की बात है जब राम जो है वो सीता को लेने के लिए जब समुद्र में जाने की बात करते हैं तो समुद्र उन्हें मार्ग नहीं दे रहा होता है, तो राम क्रोधित होकर अग्नि रूपी बाण से समुद्र में प्रहार करके समुद्र को सुकाने कर रहे होते हैं, तब वो घमंडी समुद्र सामने प्रकट होता है और उस समय वो ये राम से कहता है। तो तुलसीदास ने इन पंक्तियों को उस समुद्र के लिए प्रयोग किया था, लेकिन लोग इस पंक्ति को लेकर उसका गलत अर्थ निकाल बैठते हैं और तुलसी को नारी और छोटे जात के विरोधी कवि बताते हैं, जबकि तुलसीदास की रामचरितमानस या अन्य कविताओं की बात करें तो बहुत सारे कविताओं में आप देख सकते हैं तुलसीदास तो समन्वय के सम्राट कहे जाते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने रखे जा सकते हैं जिस पे उन्होंने समन्वय की भावनाओं को दिखाया है। सबरी की चर्चा करके भी वो समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वही जो थोड़ा पहले मैंने आपके समन्वय की भावना वाले बिंदु पर जो आपको उदाहरण दिया वहाँ पर हम समन्वय की भावनाओं को देख सकते हैं। वही तुलसीदास जो है वो नारी के प्रति आदर भाव रखते थे, वो माता सीता को माता के रूप में देखते थे और केवल माता सीता ही नहीं अपितु अन्य स्त्रियों को भी बड़े ही आदर के साथ में देखते थे। तो तुलसीदास नारी विरोधी या फिर छोटे जात विरोधी दलित विरोधी कवि थे, ये बात जो है ये उचित नहीं है। हो सकता है कुछ कुछ पंक्तियों में लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल दिया और इनको नारी विरोधी या फिर जातिवाद कवि के रूप में बता दिया, लेकिन ये बात जो है वो असत्य है। ओके, अब हम लोगों ने भाव पक्ष पर बात कर ली, अब हम लोग भाषा और काव्य शैली पर चर्चा करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा की भाषा की बात करें तो सबसे प्रमुख भाषा जो राम भक्ति काव्य धारा की थी वो थी अवधी भाषा। तुलसीदास भी ज़्यादा से ज़्यादा अवधी भाषा में ही लिखते थे, ठीक है। लेकिन अवधि के साथ साथ कुछ अन्य भाषाओं का प्रयोग भी हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है, जैसे अवधि के बाद में ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ब्रज के साथ साथ बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भोजपुरी या फारसी शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ब्रज की बात करें तो ब्रज में एक तो ब्रज, दूसरा संस्कृत निष्ठ ब्रज भी हमें देखने को मिलता है जिसमें संस्कृत का प्रभाव होता है। और काव्य शैली की बात करें तो राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों ही शैलियों में कविता लिखी है। जैसे उदाहरण सहित हम देख सकते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस जो थी वो प्रबंध काव्य धारा में थी, उसी तरह से उनकी जो विनय पत्रिका है उसमें अधिक मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की काव्य शैलियों की बात करें तो इसमें अन्य कवियों के शैलियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जैसे देख लीजिए कि जिस तरह से सूफी काव्य धारा के कवि जो थे जायसी, उन्होंने दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया, मतलब कि पहले दोहा लिखेंगे फिर अंतिम में कुछ चौपाई लिखेंगे, फिर दोहा लिखेंगे कुछ चौपाई लिखेंगे, तो ये जायसी का शैली था। इस शैली का प्रयोग भी राम भक्ति काव्य धारा में किया गया। उसी तरह कबीरदास जो है वो दोहा शैली में भी लिखते थे,
तो उस शैली का प्रयोग भी किया गया। उसी तरह से विद्यापति का गीती शैली का प्रयोग भी हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है कि उनकी जो कविताएं थी वे गेयात्मक शैली में होती थी। उसी तरह से कवित्व छप्पे शैली में भी हमें राम भक्ति काव्य धारा में कविताएं देखने को मिलता है। पहले कवित्व होगा फिर छप्पे होगा, ठीक है, तो इस शैली में भी हमें देखने को मिलता है। अब अंतिम बिंदु पर हम लोग रस छंद अलंकार तीनों को एक साथ हम लोग लेकर इस पर चर्चा कर लेते हैं। राम भक्त कवि जो थे वे पंडित कवि थे, पंडित थे, अतः उन्होंने शास्त्र ज्ञान का अवहेलना नहीं किया, रस छंद अलंकार का अवहेलना नहीं किया, वरन इसका प्रयोग अपने कविता में बहुत ही सुंदर प्रकार से किया है। रस की बात करें तो लगभग सभी रसों का प्रयोग जो है राम भक्ति काव्य धारा के कविताओं में हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे अधिक शांत रस और श्रृंगार रस देखने को मिलता है। जो राम थे वो शांति के प्रतीक थे, बड़े ही शीलवान व्यक्ति थे, तो शांत रस का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। उसी तरह श्रृंगार रस, सौंदर्य वर्णन और श्रृंगार रस का संयोग और वियोग पक्ष हमें दोनों ही देखने को मिलता है। और छंदों की बात करें तो दोहा, चौपाई, छप्पे, कुंडलिया, सोठा, सवैया इत्यादि छंदों का प्रयोग हमें राम भक्ति काव्य धारा के कविताओं में देखने को मिलता है। अलंकार का प्रयोग भी हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है। जैसे केशवदास की बात करें तो केशवदास ने सबसे अधिक जो है वो शब्दालंकार का प्रयोग किया। वहीं तुलसीदास की बात करें तो उन्होंने अपनी कविताओं में उपमा और रूपक अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया है। केशवदास के जो रामचंद्रिका है उसके विषय में आपने एक छोटी सी कथा सुनी होगी कि उस समय में तुलसीदास की रामचरित्र मानस जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी, और उस समय केशवदास ने प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, मतलब कंपटीशन के तौर पर उन्होंने रामचंद्रिका लिखा कि मैं भी एक बहुत ही पहुंचा हुआ कवि हूँ, जिस तरह से तुलसीदास लिख सकते हैं राम कथा उसी तरह से मैं भी लिख सकता हूँ, तो प्रतिस्पर्धा में उन्होंने रामचंद्रिका लिख दी थी। केशवदास जो थे वो रीतिकाल में भी गिने जाते हैं, वो दरबारी कवि थे, तो सबसे ज़्यादा ख्याति जो है वो रामचरितमानस केशवदास के रामचंद्रिका के जगह पर तुलसीदास के रामचरितमानस को ही मिला है। तो इतना लिख देंगे राम भक्ति काव्य धारा में तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। देख लीजिए कहीं कहीं कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको बताई आपको समझ में आया होगा। देखिए आज मैंने कोशिश किया कि जितना भी उदाहरण दिया उदाहरण का मैंने आपको अर्थ भी बता दिया, उसका व्याख्या भी बता दिया, लेकिन इस चक्कर में वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि उदाहरण का आपको अर्थ को ज़्यादातर मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि उनको बताने चले तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो को लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। खैर बहरहाल लास्ट में आपको एक वो दूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में राम भक्ति काव्य धारा पर प्रश्न पूछने के बजाय तुलसीदास पर पूछ दिया जाए और आपने इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करके आप गए हैं, तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं को आपने नहीं पढ़ा है, तो इन दैट केस ऐसे स्थिति में आप इसको भी लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जितना ज़्यादातर उदाहरण दिया वो तुलसीदास का उदाहरण ही है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक दो मैंने अन्य कवि का जो उदाहरण दिया उसको हटा देना है और राम भक्ति काव्य धारा का जो चर्चा किया उसके जगह तुलसीदास को लेकर आपको चलना है, और इस तरह से आप लोग अपने प्रश्न के उत्तर को बनाकर लिखकर आ सकते हैं। तो चलिए लास्ट में आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक भी अवश्य कर दें, और अगर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube थैंक्स का जो ऑप्शन है उस पर आप लोग मुझे थैंक्स दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।